आईपीएससी एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपन सोल्व करेंगे। तो आज जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो है कॉलेज लेक्चर 2014 के अंदर। इसमें देखिए, द सेट ऑफ एलिमेंट हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो आपको ट्रांजिशन एलिमेंट दिए हुए हैं इनमें से क्या देखना है आपको कि कौन से एलिमेंट के अंदर जो आउटर डी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके लिए अपन ने कल पढ़ा था, तो ट्रांजिस्टर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वो आपको लिखना आना चाहिए। और वो क्या था, मानो फिर कोई निकले कॉपर जिंक। ऐसे याद करना आपको, साइंस तेरी वहाँ करे मानो फिर कोई निकले कॉपर जिंक। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। 3D1 4S2 होता है, इसका क्या लिखते हो आप, 3D2 4S2, फिर 3D3 4S2, फिर क्या लिखोगे, 3D5 4S1, 3D5 4S2, फिर होगा 3D6 4S2, और इसका 3D7 4S2, 3D8 4S2, फिर 3D10 4S1 और 3D10 4S2। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। ये सिर्फ मैंने 3D सीरीज़ का लिखा है, आप 3D 4D एंड 5D सीरीज़ सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। तो देखिए, इसमें क्रोमियम और मैग्नीज़ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D5 इसका होता है 3D5 4S1 और इसका होता है 3D5 4S2। ठीक है, लेकिन जो टेंटेलम है इसका होता है 5D3 6S2, क्योंकि ये कौन से सीरीज़ का एलिमेंट है, ये 5D सीरीज़ का एलिमेंट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, D3, मीन्स ये ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके अंदर D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अपने को कौन सा सेट चाहिए जिसके अंदर सबके अंदर क्या हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, और इसमें क्या, ये पहले ही कट गया, इसमें क्या होता है 3D6 4S2 होता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए ये आंसर भी वैसे ही कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो, क्रोमियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D5 4S1, फिर मैग्नीज के अंदर 3D5 4S2। ठीक है, और मॉलिब्डेनम का क्या होगा, 3D5 4S1। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया अपना, सबके अंदर क्या है, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना आंसर हो गया सी। लेकिन जब आप नेक्स्ट में जाओगे तो मैग्नीज और डब्ल्यू में क्या होंगे, सेम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा इनका, डिफरेंट रहेगा। नाइव इसमें Nb के अंदर रहेगा 4D4 5S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि इसका रहता है 5D4 6S2। तो देखिए, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। तो आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी कॉलेज लेक्चर 2014 में आया हुआ है, उसी पेपर के अंदर आया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है कि आपको कलर्ड आयन पूछें, और कलर कौन सा आयन देता है जिसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो ही क्या करेगा, कलर देगा। ठीक है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो इसमें सारे के सारे एलिमेंट कौन से सीरीज के हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 3D सीरीज को लिखोगे। ठीक है, कॉपर और जिंक। उसके बाद में क्या आना चाहिए आपको, इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, जो अपन पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा है वो सेम टू सेम आपको आना चाहिए। 3D1 4S2, फिर आप लिखोगे 3D2 4S2, 3D3 4S2, और यहाँ पे आएगा 3D5 4S1, और ये हो गया 3D5 4S2, फिर इसका हो गया 3D6 4S2, कोबाल्ट का हो गया 3D7 4S2, निकिल का है 3D8 4S2, और फिर कॉपर का होगा 3D10 4S1, और जिंक का होगा 3D10 4S2। उसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि इसके अंदर जो आयन्स दिए हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन अपन को रिमूव करना है, जितना पॉजिटिव
आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं? यदि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो क्या करोगे आप उसको, वो कौन सा आयन कहलाएगा? कलर्ड आयन रहेगा। तो देखिए सबसे पहला क्या है, कॉपर +1। तो कॉपर में से जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बचेगा कॉपर के अंदर, वो बचेगा 3d10। तो इसमें तो फुली फील्ड है, इसका मतलब इसमें तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो अनपेयर्ड हो। तो ये वाला ग्रुप तो अपना कैंसिल हो गया क्योंकि तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अपने को तो सेट ढूंढना है। ठीक है, दूसरा देखो ऑप्शन वेनेडियम +2। इसके अंदर देखिए जैसे आप वेनेडियम +2 बनाओगे इससे, तो अपने पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा D3। वेनेडियम +2 का क्या आएगा? D3। इसका मतलब आप जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 3, और तीनों के तीनों कैसे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये आयन क्या है, अपने को कलर देगा। नेक्स्ट देखो आयरन +3। आयरन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है? 3d6 4s2। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। जैसे आप इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बचेगा? 3d5 बचेगा। और यहाँ पे पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, कलर्ड रहेगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट +2। कोबाल्ट +2 के अंदर 3d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है, इसका मतलब इसमें भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, कलरफुल होगा। तो अपना आंसर तो क्या आ गया, सेकंड आ गया। लेकिन एक बार इनको भी चेक कर लेते हैं। टाइटेनियम +4 के अंदर देखो, इसके अंदर टाइटेनियम +4 जब आप 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें D0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्कैंडियम +3। ठीक है, तो स्कैंडियम का जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन होता है 3d1 4s2, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन की बात कर रहे हैं। जैसे आप तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डी क्या हो जाएगा, 0। मींस इसके अंदर भी क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। टाइटेनियम +4 के अंदर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी अपना कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन फॉर द निकिल एंड प्लेटिनम आर रेस्पेक्टिवली। निकिल के नीचे ही प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम है वो अपना कौन सी सीरीज का एलिमेंट है, 5d का, और ये कौन सी सीरीज का है, 3d का। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है वो देखिए, तो प्लेटिनम का अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो इसका देखिए 5d9 6s1। d8 इसके अंदर जो 5d सीरीज होती है उसके अंदर जो d8 होता है वो मिसिंग होता है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 5d9 6s1। ठीक है, और निकिल का क्या हो गया, 3d8 4s2। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन देखिए 3d8 4s2 है निकिल का, और दूसरे का 5d9 6s1 है। तो देखिए इसमें 3d8 4s2 है, 5d9 6s2 और किसी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया, वो बी इज आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी किसमें आया हुआ है, कॉलेज लेक्चर 2014 के अंदर। द करेक्ट आर एस नॉमन क्लेचर फॉर दी फॉलोविंग कंपाउंड। तो मैंने जो आर एस नॉमन क्लेचर के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, पहले भी जो सॉल्व किए हैं, मैंने सब लगभग सारी एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो ये देखिए लास्ट जो ये क्वेश्चन है वो आरएस कॉन्फ़िगरेशन का। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इनको नंबरिंग दे दोगे, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या देना है आपको, 1, फिर ये 2 नंबर हो जाएगा, और ये 3 नंबर, और ये 4 नंबर। 1 से 2, 2 से 3 की और 4 की तरफ जब आप रोटेट करते हो तो क्या आ रहा है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, आर आ रहा है। लेकिन जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट या राइट में होता है, तो जो जितना अपना कॉन्फ़िगरेशन आता है आर एस के अंदर, यदि आर आता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स अपने को क्या मिलेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। मींस दो नंबर कार्बन का क्या रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब तीन नंबर वाले कार्बन का चेक करते हैं, इसको दिया 1 नंबर, फिर ये ऊपर वाले को 2 नंबर, ये 3, और इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। और 1 से 2, 2 से 3 की जब आप रोटेट करोगे तो क्या आएगा, कैसे रोटेट कर रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, एस। लेकिन जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप क्या है, लेफ्ट या राइट में होता है, तो अपन क्या करते हैं कि जो भी इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन आता है उसका क्या कर देते हैं, अपन रिवर्स कर देते हैं, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया अपने पास में, आर। तो 2 पे तो ऐसा आया, और 3 पे क्या आया है, आर आया।
तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है, 2p s, 3p r, ये फोर्थ ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो ये फोर्थ अपना क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, इसका IUPAC नेम अपने को लिखना है। इसके लिए अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पता होनी चाहिए, एल्किंस की, मीन्स ई और जेड कॉन्फिग्रेशन अपन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए कि IUPAC नॉमनक्लेचर के अंदर अपन नंबरिंग कैसे देते हैं। तो देखिए, इसके अंदर दोनों तरफ से यदि अपन नंबरिंग देंगे तो डबल बॉन्ड जो है वो सेम पोजिशन पे आ रहा है, मीन्स इधर से देंगे तो 2 पे आ रहा है, इधर से देंगे तो ये भी 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो मान लीजिए अपन ने इसको नंबरिंग दे दी इधर से, तो 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबरिंग दे दी। उसके बाद आप इसमें क्या डिसाइड करोगे कि ई और जेड कॉन्फिग्रेशन कौन सा, मतलब 2 नंबर जो एल्कीन है वो और 4 नंबर जो एल्कीन है वो कौन सा ई जेड कॉन्फिग्रेशन में से कौन सा रखती है। तो देखिए, इसके अंदर प्रायोरिटी के देंगे अपन, जो इस कार्बन पे तो इसको प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है, और इस कार्बन पे इस ग्रुप को पूरे को प्रायोरिटी देंगे। तो ये जो इसका कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा वो है अपोजिट साइड में प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई। और इसमें देखिए, इसको 1 नंबर दे दिया प्रायोरिटी के अंदर, इस कार्बन के अंदर, और इसके अंदर इस कार्बन, इस ग्रुप को क्या दे दिया, 1 नंबर दे दिया। मीन्स इसका जो प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, दोनों एक ही साइड में है, इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्फिग्रेशन कौन सा हो जाएगा, जेड। ठीक है, अब अपन इसका IUPAC नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। तो देखिए, पहला 2 पे तो क्या है, ई है, और फिर 4 पे क्या है, जेड। तो पहले 2 लिखते हैं, फिर 4 लिखेंगे, 2, 4, और हेक्सा है और डाइईन है, तो क्या लिखोगे, 2, 4 लिखोगे, तो पहले 2 का आपको कॉन्फिग्रेशन लिखना है और उसके बाद में 4 का कॉन्फिग्रेशन। तो 2 पे तो ई है, 4 पे क्या है, जेड है, ठीक है, और फिर क्या लिखोगे, 2, 4 हेक्सा डाई इन, 4, 6 कार्बन है तो हेक्सा आ गया, और 2 इन ग्रुप है तो क्या आ गया, डाई इन। तो देखिए, ई जेड आया अपना, तो देखिए पहला जेड ई, ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। दूसरा देखिए, ई जेड 2, 4 हेक्साडाइन, सही है ये अपना ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में देखिए जेड जेड लिख रखा है तो ये भी गलत है, और फोर्थ ऑप्शन के अंदर ई लिख रखा है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो अपना आंसर क्या आ गया इसके अंदर, बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है वो कॉलिजन थ्योरी से आया हुआ है, और ये कॉलिजन थ्योरी भी मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो में पढ़ाया है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके इसको पढ़ सकते हैं। वॉट इज द इनकरेक्ट फ्रॉम द व्यूज पॉइंट ऑफ द कॉलिजन थ्योरी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, और चारों में से ये बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि ये बेस्ड ऑन केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे डिपेंड होती है, यस सही है ये। सेकंड देखिए, इट एज्यूम दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर हार्ड स्पीयर एंड रिएक्शन अकर ड्यू टू देयर कॉलिजन। मीन्स इनको क्या माना जाता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हार्ड स्पीयर की तरह माना जाता है, और वो आपस में कॉलिजन करेंगे तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, या क्या कह सकते हैं, रिएक्शन तभी होगी जब वो आपस में क्या करेंगे, कॉलिजन। तो ये वाला ऑप्शन भी अपना सही है। ऑल कॉलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता है, सारे जो भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है कॉलिजन तो करेंगे, लेकिन उनमें उन कॉलिजन में से कुछ कॉलिजन्स तो क्या होंगी, इफेक्टिव होंगी, और कुछ इफेक्टिव नहीं होती। तो जो इफेक्टिव होती है वो ही क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी के नहीं बनाएंगे। तो सारे कोलिजन्स होंगे रिएक्टिव जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके, वो सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो ये जो अपना ऑप्शन है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया, सी। लेकिन और देख लेते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, यस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये अपन किसे देख सकते हैं, अरेनियस इक्वेशन से अपन चेक कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कॉलेज लेक्चर एग्जाम में आया हुआ है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम +2, आयरन +2, कोबाल्ट +2 एंड कॉपर +2 इन रेस्पेक्टिवली। मीन्स आपको इन आयंस के अंदर क्या पूछे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे। तो वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए आपको क्या आना चाहिए,
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका आपको लिखना आना चाहिए। तो देखिए क्रोमियम का जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D5 4S1, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, जीरो। ऐसे ही आयरन का होता है 3D6 4S2, कोबाल्ट का होगा 3D7 4S2, और कॉपर का होता है 3D10 4S1। ठीक है, अब वो क्रोमियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, प्लस टू के अंदर है, तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या बचेंगे, 3D4। ठीक है, आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, प्लस टू के अंदर, तो इसमें क्या बचेगा, 3D6। और कोबाल्ट भी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो इसमें भी क्या बचेगा, 3D7। और जो कॉपर है, कॉपर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, लास्ट में 3D9। ओके, अब देखिए 3D4 के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक करोगे तो फोर इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करते हो तो चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड रहते हैं D4 के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्रोमियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड है, वो कितने हैं, फोर। ठीक है, तो देखिए आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, सिक्स इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन फिल करके चेक कर लेते हैं। ये फाइव ऑर्बिटल हो गए डी के, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसमें भी फोर इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो अनपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, फिर D7 चेक करोगे तो 5 तो हो गए, 6 अपन ने फिल किए, इसके अलावा 7 वाला आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यदि 8 और 9 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर देंगे तो अपने पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, पहले में 4 आए, सेकंड में 4 आए, और कोबाल्ट के अंदर अपने 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आए और कॉपर के अंदर अपने एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आया। तो आंसर क्या हो गया अपना, डी इज आंसर। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन अपना थर्मोडायनेमिक्स से है, फोर रिएक्शन गिवन बिलो, डेल एच एंड डेल ई आर रिलेटेड एस, ये रिएक्शन दी हुई, इससे क्या अपने को किसके अंदर रिलेशन निकालना है, डेल एच और डेल ई के अंदर। तो देखिए डेल एच इक्वल्स टू होता है, डेल ई लिख दो या डेल यू लिख दो इंटरनल एनर्जी को, प्लस लिखते हैं अपन डेल्टा एन जी आर टी, और डेल्टा एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसेस मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट के जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, सिर्फ गैसेस अपने को काउंट करने, तो वो कितने हैं, 10, और रिएक्टेंट के कितने हैं, 12 है। 10 मतलब 10 CO2 है, 12 है मीन्स 12 है O2 है, बाकी के सारे कोई सॉलिड है कोई क्या है, लिक्विड है, तो वो अपने को काउंट नहीं करने है, तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो आप जब इस रिएक्शन के अंदर इस वैल्यू को रखते हो, डेल्टा एच इक्वल्स टू होता है डेल्टा ई -2 RT, मीन्स जब डेल्टा एच कब इक्वल होता है डेल्टा ई के, जब डेल्टा ई से कुछ माइनस किया जाता है, कुछ इसमें से क्या किया जाता है, माइनस, अदरवाइज ये डेल्टा ई क्या रहेगा, डेल्टा एच से ज्यादा होगा। ठीक है, इक्वल करने के लिए इसमें से कुछ क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो देखो, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा ई, नो ऐसा है ही नहीं, ऐसा होता तो अपन डेल्टा एच के अंदर कुछ जोड़ते। ठीक है, फिर देखिए डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, ठीक है, इसका मतलब ये सही है क्योंकि डेल्टा ई में से कुछ माइनस कर रहे हैं तभी तो ये आएगा, और ये इक्वल तो है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो अपना ऑप्शन जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ द आयंस हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती क्या है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। तो सबके अंदर अपने को वन बाई वन चेक करना है, इसके अंदर सेट अपने को देखना है। यदि आप क्वेश्चन लेंदी कर दिया जाता है एग्जाम में तो आपको इस तरीके से ग्रुप बना के दे देते हैं, और यदि क्वेश्चन लेंदी नहीं किया जाता है तो आपको सिर्फ चार कोई भी आयन दे देगा, उसमें से आपको या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है वो छांटना पड़ेगा, या क्या होगा, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको अपने को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंदी करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए जो नाइट्रोजन है वो 7, इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 7 के अंदर -3 है तो क्या कर दोगे, 3 जोड़ दोगे, तो 7 + 3 कितने हो गए, 10, और ये 8 पे आता है तो 8 + 2 = 10,
ये 9 पे आता है, 9 + 1 इक्वल्स टू क्या हो गए 10, और ये 16 पे आता है, 16 + 2 इक्वल्स टू क्या हो गए 18। मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही नहीं क्योंकि ये डिफरेंट आ गया, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए लिथियम, लिथियम आता है 3 पे, 3 में से एक गया तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम कितने पे आएगा, 10 पे आता है, सॉरी 11 पे आएगा सोडियम, तो 11 में से एक गया तो कितने बचे, 10 बचे। तो ये ऑप्शन तो यहीं पे अपना कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें तो कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एक दो अपन ने चेक किया है आयंस को, दोनों में से कोई भी आयन क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो पोटेशियम होता है वो 19 पे आता है, 19 में से एक माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि प्लस है तो 18 हो जाएगा। क्लोरीन 17 पे आता है, एक जोड़ दोगे क्योंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा 18। और कैल्शियम 20 पे आता है, इसमें से 2 माइनस कर दो क्योंकि प्लस है तो ये भी 18 हो जाएगा। और स्कैंडियम 21 पे आता है, और इसमें से जब आप 3 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 18। के अंदर अपने सारे क्या हैं, सब सेम इलेक्ट्रॉन्स आए हैं सबके अंदर, इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन के अंदर जो भी आयंस है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मीन्स अपना आंसर क्या हो गया, थर्ड इज ए आंसर। क्वेश्चन है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है वो पूछा है। तो देखो CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, ओजोन होती है, और मिथेन ग्रीन हाउस गैस होती है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन अपन डायरेक्टली इसको नहीं कह सकते कि ये ग्रीन हाउस गैस है। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रीन कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी जो टेरेस्ट्रियल थर्मल एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती स्ट्रॉन्गली, डू नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस गैस से, ठीक है, इसका मतलब ये ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव नहीं करती है, ठीक है। इस गैस को अपन ने इनडायरेक्टली क्यों कहा है, क्योंकि ये जो गैस है वो जो ट्रोफोस्फेरिक ओजोन है उसको, इसके अलावा जो मिथेन गैस है इसका प्रोडक्शन करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसलिए क्या कहा है कि इनडायरेक्टली इसको ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं पर डायरेक्टली इसको नहीं कह सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर टॉपिक है, द ग्रीन हाउस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मैक्सिमम, मीन्स ऐसी गैस जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मैक्सिमम होता है, वो है अपनी CO2 गैस, ठीक है। आंसर क्या हो गया, CO2। सारी की सारी गैसें जिसके अंदर क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उनमें से सब में से सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का।